हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आरती एंड गौरव। और आज पुष्कर में हमारा तीसरा दिन है और पहले भी हमने पुष्कर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और आज हम कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पुष्कर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और गाइस, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम होटल्स वगैरह में तो रुकते ही हैं, ठहरते ही हैं, लेकिन एक दिमाग में हमको ये भी देखते हैं कि लोग टेंट वगैरह में भी रुकते हैं। तो पुष्कर में हम एक ऐसी जगह पर आए हैं, इस जगह का नाम है रॉयल पुष्कर कैंप में हम लोग आए हैं। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम टेंट में कैसे रहते हैं, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। तो चलिए, मेरे साथ हैं शंकर जी जो कि यहाँ केयर टेकर हैं। तो शंकर जी, यहाँ पे किस तरह की आप फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो आते हैं लोग उनको प्रोवाइड करते हैं? फैसिलिटी सर, सीज़न टाइम में यहाँ पे सर्दियों में बॉन फायर वगैरह अरेंजमेंट करते हैं और फिर उसमें कालबेलिया डांस का प्रोग्राम भी रखते हैं, ग्रीक कल्चर प्रोग्राम जो राजस्थानी कल्चर को अपना दिखाता है, राजस्थानी प्रोग्राम। ठीक है, तो शंकर जी आप दिखाएंगे हमें टेंट ये। तो गाइज, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर देखने के लिए कि ये किस तरह से ये टेंट में यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। सर, तो गाइज ये देखिए, हम इसके टेंट के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल एकदम जैसे रूम की एक फील होता है वो मेरे को यहाँ पर आ रहा है। तो शंकर जी, एक तो पहले बताइए कि किस तरह के टेंट है ये? ये स्विस टेंट है सर, वाटरप्रूफिंग टेंट है। अच्छा, और इसमें सर्दियों में हीटर वगैरह भी लग जाता है, गर्मियों के टाइम में ये एसी वगैरह का होता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पे एसी का भी अरेंजमेंट कर रखा है और ये डबल बेड वगैरह भी डबल आपके हैं, एक्स्ट्रा बेड भी लग जाता है इसमें। अच्छा, रूम की तरह पूरा कंफर्टेबल है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हर तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। ये देखिए, बैठने के लिए चेयर्स वगैरह हैं, टेबल है, और ये देखिए यहाँ पे कर्टेंस है। अगर मैं थोड़ा इसके बाहर से देखूँ तो एक पूरा व्यू आप बाहर लॉन का ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों ने, और ये वार्डरोब भी दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपना यहाँ सामान वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी है? वॉशरूम भी है सर। तो गाइस ये देखिए, अंदर इन्होंने वॉशरूम बना रखा है, और ये वुड की है ना ये वॉल्स वगैरह? ये वुड है सर। ओके, सारा वुड का है, वुड। और ये टेंट है? टेंट है ये, एंड हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ऑल्सो है। अच्छा, दोनों तरह का अरेंजमेंट कर रखा है, ठंडा गर्म, गीजर वगैरह है पीछे की साइड में। ओके, एंड गर्म पानी या ठंडा पानी दोनों का ही। ओके, तो गाइस आप इस जगह पर अगर आए तो एक आपको एक अलग ही फील आएगा कि किस तरह से आप टेंट में यहाँ पर रह सकते हैं। अगर जो नॉर्मली बाहर से फैमिलीज वगैरह आती हैं तो एक इशू रहता है सेफ्टी का, तो थोड़ा सा इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी प्रॉपरली है सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। और जो मेन गेट होते हैं उसके लॉक होता है, यहाँ सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है, और खाने का भी अरेंजमेंट हो जाता है। खाने का अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पर? किस तरह का खाना आपका सर्व करते हैं यहाँ पे? खाना सर इंडियन है, इंडियन फूड सर्व करते हैं हम, और टेंट में भी सर्विस है एंड रेस्टोरेंट भी हमारे, रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं, एंड ब्रेकफास्ट भी है, अला कार्ट ऑर्डर दे सकते हैं, एंड चाइनीज फूड भी है। टेंटेटिवली कितना इसका रहता है चार्ज फूड का, जैसे पर पर्सन का क्या रहता है? ये लंच का है 350 पर पर्सन है। ठीक है, एंड डिनर का 350 पर पर्सन है, एंड ब्रेकफास्ट का 150 पर पर्सन है, पर पर्सन है। और गाइस यहाँ पे जो मैंने मैट्रेस पे लगा रखे बहुत ही कंफर्टेबल हैं, आप आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। तो शंकर जी, यहाँ पे कितने हैं ये टेंट आप लोगों के? ये टोटल 10 टेंट है सर। अच्छा, तो अगर कोई जैसे ग्रुप में अगर बुकिंग कराना चाहे तो उसके लिए भी आप अरेंज कर देंगे? हाँ, उसके लिए भी अरेंज हो जाता है। अच्छा, और अगर मैं इसके टैरिफ की बात करूं तो? टैरिफ का सर अभी अगस्त सितंबर में यह 2000 रुपये है। अच्छा, और फिर सीजन के हिसाब से इसमें 5000 हो जाता है पर नाइट, डबल ऑक्यूपेंसी पे। तो एंड एक्स्ट्रा बेड भी लग जाता है इसमें, एक्स्ट्रा बेड का 500 एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अच्छा, और जो सीज़न का टाइम होता है वो कब से कब तक का होता है वो? सीज़न का टाइम है सर अक्टूबर से मार्च तक चलता है सीज़न। अच्छा, ये विंटर जो सीज़न चलता है उसके बाद होली टाइम आ जाता है, फिर होली टाइम हो जाता है। अच्छा, और गाइस मैं देख रहा हूँ सामने ये एक पहाड़ी पे मंदिर बना हुआ है, तो शंकर जी थोड़ा बताएं ये कौन सा मंदिर है? ये सावित्री माता का मंदिर है, ब्रह्मा जी की वाइफ का। अच्छा, ये ब्रह्मा जी की सेकंड वाइफ है सावित्री माता, उसका मंदिर है। वहाँ पे रोप वे भी लगा हुआ है जिसका चार्ज 110 रुपीज़ है। अच्छा, आने जाने का, और बहुत रोप वे से जाते हैं ऊपर पहाड़ी पे। और गाइस यहाँ से आप सावित्री देवी माता के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप नेचर के एकदम पास आ गए हैं, आप यहाँ आराम से नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस यहाँ का जो व्यू है बहुत ही वाइड है। और शंकर जी मेरे को यहाँ का एड्रेस बताएंगे आप?
हाँ जी, यहाँ का एड्रेस ये रॉयल पुष्कर कैंप्स है। इनका एड्रेस है अजमेर से पुष्कर में एंट्री होते हैं, वहाँ एक गुरुद्वारा आता है, गुरुद्वारा से लेफ्ट लेते ही 200 मीटर आगे ही रॉयल पुष्कर कैंप है और गुरुद्वारा से 200 मीटर दूरी पे है वामदेव रोड पे। और इसका फ़ोन नंबर? इनके कॉन्टैक्ट नंबर है 9636681366, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो गाइज, हमने तो अपना यहाँ पे स्टे बहुत इंजॉय किया, उम्मीद है आप भी यहाँ पे अपना स्टे इंजॉय करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी।